राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारा झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए दो दो मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के तीन दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन तीन बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी, लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी
कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, छोटे छोटे बच्चे वो बोल रहे हैं गहलोत जी। अरे बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया वीडियो बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं, और हर माँ बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं बोलते हैं लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है, राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कार्पेट पे चलता है, रेड कार्पेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के